जिसे से जो माध्यमिक शिक्षा एक साल लगा और उसके तुरंत बाद मेरी पोस्टिंग जैसे मैंने बताया फिरोजाबाद, जैसे फिरोजाबाद भी एक अलग शहर था, कुड़ियों का शहर था और उसके बाद उसको बदल दिए एक अलग शहर था और इस बार तो मतलब धार्मिक नगरी में आ गया हूँ तो इस बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल की परिस्थिति देखते हुए और बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही कहना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो है मतलब आप सीधे मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, बहुत सारे लोगों ने तो मेरा नंबर ले लिया है और कहीं पे अगर किसी को लग रहा है अभी भी कि कोई बात नहीं हो पाई तो ऐसा वैसे दिक्कत आएगी नहीं, डायरेक्ट मैसेज करिए या ग्रुप पे मैसेज करिए, सी यू जी पे भी मैसेज करिए, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है, सी यू जी भी मेरा इसी नंबर पर रहेगा, सी यू जी का व्हाट्सएप, तो अगर कहीं पर लग रहा है फ़ोन नहीं उठ रहा है वो नहीं है तो आप व्हाट्सएप करें मुझे सीधे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा दिक्कत कहीं नहीं आएगी, मेरे पिछले जिले में भी कहीं पर दिक्कत नहीं है किसी को और यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई दिक्कत ना हो, बताया गया अटेंड ना हो पाए मीटिंग में, इसलिए मीटिंग में व्हाट्सएप तो यूज हो ही सकता है, व्हाट्सएप तो पढ़ सकते हैं, मीटिंग अगर चली तो भी व्हाट्सएप तो पढ़ा जा सकता है, हो सकता है कोई अर्जेंट चीज़ हो जो हो सकता है आप फोन पे ना कह पाए, चार लोग आपके साथ भी बैठे हैं, चार लोग मेरे पास भी बैठे हैं, तो अगर व्हाट्सएप करेंगे हो सकता है कोई गोपनीय सूचना हो, तो सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी दी है साइंस ने तो व्हाट्सएप का भी अच्छा यूज करिएगा, तो चैनल बनता रहेगा कम्युनिकेशन का, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आपने कहा वो बिल्कुल सही है और अयोध्या क्योंकि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है और टूरिज्म हो या हमारा श्रद्धालु हो राम मंदिर और जितना भी उस श्रद्धा को लेके जो चीज़ें हैं और वो सारा जो है वो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं निश्चित रूप से, और शासन ने जिम्मेदारी दी है तो उसको बहुत अच्छे से करने का मैं प्रयास करूँगा हमारी पूरी टीम के माध्यम से, सभी अधिकारियों को लगा के जो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए जो प्रशासन की टीम है पुलिस के साथ में उसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है और उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी भी तरह के श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहे और कहीं पर भी कोई भी इशू आ रहा है भीड़ का उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज करें, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और इसका पूरा प्रयास रहेगा और उसके लिए हमारी टीम है एडीएम सिटी साहब की और हमारे जो इतने भी मजिस्ट्रेट्स हैं पुलिस अधिकारी हैं और कप्तान साहब के साथ में बात करके उसको और बेहतर करने का प्रयास किया है। देखिए अभी मैं आया हूँ और मुझे देखने दीजिए कहाँ पे दिक्कतें हैं और सभी हमारे उच्च अधिकारियों से बात करके और अधिकारियों से बात करके उसमें अगर कोई गुंजाइश सुधार की तो उसको किया जाएगा, देख लूँगा एक बार, अभी मुझे देख लेने दीजिए कि जो आप बता रहे हैं तो मैं अधिकारियों से बात करके हमारे जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं और उसको समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। जिलाधिकारी के रूप में मैंने कार्यभार ग्रहण किया है और मैं यही कहना चाहूँगा कि अयोध्या विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, अयोध्या धाम है और भगवान की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मुझे यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला है जिलाधिकारी के रूप में और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ के जितने भी निवासी हैं श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी परेशानियों को देखते हुए उनके ग्रीवांसेस को देखते हुए हम बहुत गुणवत्तापूर्वक तरीके से उसको निस्तारण कर सकें, यहाँ के जो निवासी हैं उनकी दिक्कतों को और सारा चीज़ों में जो सुधार की आवश्यकता है वो अपने अधिकारियों के माध्यम से और उसको और बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ की जो जनता है उनके बीच में ला सकें, उनकी परेशानियों को दूर कर सकें, ये फोकस रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि चिकित्सा क्षेत्र में और लोगों की सेहत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग बेहतर कर सकें और हेल्थ एजुकेशन जो है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें और बेहतर हों और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शासन ने जो जिम्मेदारी दी है और जनता की जो अपेक्षाएं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। ओके, ताया उसकी शिकायत का मैं एक बार देख के संज्ञान लेके और उसमें जो उचित कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। जनता से मिलने का समय की जरूरत ही नहीं है और जो है हमारा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और सुबह जन सुनवाई का समय है वो फिक्स है और 10 से 12 का समय है तो उसी बीच में हम लोग जनता से मिलेंगे और उसके बाद भी अगर कोई भी मिलना चाहे तो वो भी मिल सकता है क्योंकि ऑफिस टाइमिंग है उसमें जिस भी समय यहाँ पे उपलब्धता होगी उसी समय कभी भी जनता मिल सकती है। देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतें बहुत मिलती हैं और वो एक अच्छा चैनल है शिकायतों का या किसी भी तरह के इशू को बताने का जिलाधिकारी को क्योंकि हर कोई आदमी उसको बहुत
गोपनीय तरीके से भी बताना चाहता है, हो सकता है कि वो शिकायत करे और वो ओपनली नहीं बताना चाहता हो, तो वो अगर व्हाट्सएप के माध्यम से बता रहा है तो भी एक अच्छी बात है और उस पर संज्ञान लेके कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो आदमी सीधे बात नहीं कर सकता, वो अपनी शिकायतें बताएं और उन पे हम संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। और मेरे पिछले ज़िले में भी हम लोगों ने व्हाट्सएप पे भी अच्छा रिस्पांस मिला था पब्लिक को उनकी शिकायतों का। इवन पब्लिक ही नहीं, कोई भी आप पत्रकार महोदय भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, अगर कोई भी अगर लिखित में भी व्हाट्सएप पे भेजना चाहे तो भेज सकता है अपनी शिकायतें।